नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना कीवा, छायांकन नेहा पार्टी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकीय ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोधर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोधर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है, लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है।
प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा, अनुपम खेर जोगिंदर जूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर सुचेता खन्ना, बबली के रूप में लंदन में एक से इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिक साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा।
धन्यवाद। यमला पगला दीवाना टू, यमला पगला दीवाना टू अनुवाद, पागल पागल प्रेमी टू, हिंदी उच्चारण, संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल, द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना अखीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ दोषी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित, यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकीय ट्रेलर 27 मार्च 2013 को YouTube पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों और गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है
परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है, जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना, धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोदर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा, अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्टर के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013। शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19। भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे, जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिक साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। UK में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2 यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व,
निर्देशक संगीत सिवान पटकथा की है जसविंदर बात। कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र अभिनीत धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल नेहा शर्मा अन्नु कपूर क्रिस्टीना खीवा छायांकन नेहा पार्टी संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी सचिन गुप्ता एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय पीडी फिल्म्स लिमिटेड यूके रिलीज की तारीख 7 जून 2013 कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमुना पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड वाराणसी में धर्म ढिल्लो धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोदर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोदर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोदर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टीना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोदर की सगाई के बाद गजोदर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोदर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो अवलिक धर्म ओबराय अवलिक यमला बाबा परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोदर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो अवलिक वरुण ओबराय अवलिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा रीत खन्ना के रूप में क्रिस्टीना अखीवा अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड
जी और मिश्रा के रूप में, अनु कपूर युवराज खन्ना के रूप में, बंटी के रूप में, जॉनी लीवर सुचेता खन्ना बबली के रूप में, लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन, गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2 यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र सनी देओल और बॉबी देओल हैं जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व निर्देशक संगीत सिवान पटकथा की है जसविंदर बात कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र अभिनीत धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल नेहा शर्मा अनु कपूर क्रिस्टीना खीवा छायांकन नेहा पाटी संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी सचिन गुप्ता एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड
बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके। रिलीज की तारीख 7 जून 2013। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड वाराणसी में धर्म ढिल्लो धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोदर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोदर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोदर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टिना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोदर की सगाई के बाद गजोदर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोदर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल, गजोदर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में क्रिस्टिना अखीवा, अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19। भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में
मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस, यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। UK में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण, संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं, महिला नेतृत्व। निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स, सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई PD फिल्म्स लिमिटेड UK, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकीय ट्रेलर 27 मार्च 2013 को YouTube पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म
ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन्या शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोदर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोदर एक और गुंडन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोदर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टिना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोदर की सगाई के बाद गजोदर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोदर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोदर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अकीवा, अनुपम के जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन, गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 चंगली है चांगली है
इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैदान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। UK में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नु कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पीडी फिल्म्स लिमिटेड UK, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को YouTube पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर
योगराज अपनी बेटी सुमन्या शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टिना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है, जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है, जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है, लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है, जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ओब्लिक धर्म ओबराय ओब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ओब्लिक वरुण ओबराय ओब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा, अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अनु कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर सुचेता खन्ना, बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे, जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 चांगली है इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचना इस गाने को दिलजीत दोसांझ
धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गान नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस, यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809,000 रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909,000,000 कमाए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकीय ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्म स्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्म स्ट्रांग के गुंडों को
गुंडों और गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंडन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टिना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है, जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है, जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है, लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है, जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ओब्लिक धर्म ओबराय ओब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल, गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ओब्लिक वरुण ओबराय ओब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में क्रिस्टिना अकीवा, अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे, जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 चांगली है इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिक साबरी,
और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप। इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस। यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना टू अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व। निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय PD फिल्म्स लिमिटेड UK। रिलीज की तारीख 7 जून 2013। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को YouTube पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड। वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और
सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टिना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों? देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिर खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो अवलिक धर्म ओबराय अवलिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो अवलिक वरुण ओबराय अवलिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अकीवा, अनुपम के जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अनु कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन, गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी लेवंटी सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 चांगली है इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचना इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी।
यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और जीसीसी सर्किट पर इसने 9,809,000 रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीबा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नु कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना, बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पीडी फिल्म्स लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोधर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोधर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है।
धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिर खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा अनुपम खेर जोगिंदर जूड जी और आर्मस्ट्रांग के रूप में अनु कपूर युवराज, खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर सुचेता खन्ना, बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809,000 रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए।
दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2, हिंदी उच्चारण संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकीय ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोधर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोधर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्म स्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्म स्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है, जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है, जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह
उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है, लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिर खुशी से समाप्त हो जाती है। फेकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ओब्लिक धर्म ओबराय ओब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ओब्लिक वरुण ओबराय ओब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा, अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अनु कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंगदा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी सावरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ सावरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2
मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना टू अनुवाद पागल पागल प्रेमी टू हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना अखीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय पीडी फिल्म्स लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है।
प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिर खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो अवलिक धर्म ओबराय अवलिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोदर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो अवलिक वरुण ओबराय अवलिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अकीवा अनुपम के जोगिंदर जूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अनु कपूर युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी 11T सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेय घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। UK में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809,000,000 रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा।
धन्यवाद। यमला पगला दीवाना टू, यमला पगला दीवाना टू अनुवाद, पागल पागल प्रेमी टू हिंदी उच्चारण, संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व, निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नु कपूर, क्रिस्टीना खीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिफ तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म्स सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म्स लिमिटेड यूके, रिलीज की तारीख 7 जून 2013, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड, वाराणसी में धर्म ढिल्लो, धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोधर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोधर एक कंपनी ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के कलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं, जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं, जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टीना से मिलता है, जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है, लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है, लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है
पर हम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है, जिसे वह स्वीकार करती है और फिर खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना, धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ओब्लिक धर्म ओबराय ओब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो ओब्लिक वरुण ओबराय ओब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अखीवा अनुपम खेर जोगिंदर ड्यू जी और मिस्ट्रा के रूप में अनु कपूर युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन गीत संगीत यमला पगला दीवाना टू साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी गुप्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे, जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीढ़ी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन सोनू निगम मीका सिंह सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस, यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं। महिला नेतृत्व,
निर्देशक संगीत सिवान पटकथा की है जसविंदर बात। कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र अभिनीत धर्मेंद्र सनी देओल बॉबी देओल नेहा शर्मा अन्नू कपूर क्रिस्टीना कीवा छायांकन नेहा पार्टी संगीत दिया है गाने शारिफ दोषी सचिन गुप्ता एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड बाई पी डी फिल्म लिमिटेड यूके रिलीज की तारीख 7 जून 2013 कार्यकारी समय 154 मिनट देश भारत भाषा हिंदी फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमला पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड वाराणसी में धर्म ढिल्लो धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोधर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोधर एक कंपनी ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन नेहा शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोधर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी क्रिस्टीना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यों की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उससे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा रीत खन्ना के रूप में क्रिस्टीना अकीवा अनुपम खेर जोगिंदर ड्यूड
जी और मिश्रा के रूप में, अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में, बंटी के रूप में, जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना, बबली के रूप में, लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन, गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 28:19 भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेया घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबरी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिक साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस, यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। यूके में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको यमला पगला दीवाना 2 मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना 2 अनुवाद पागल पागल प्रेमी 2 हिंदी उच्चारण संगीत शिवन द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 की फिल्म यमला पगला दीवाना की अगली कड़ी है और यमला पगला दीवाना फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त है। इसमें पिछली फिल्म के धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल हैं, जिसमें नेहा शर्मा और क्रिस्टीना अखीवा मुख्य भूमिका में हैं, महिला नेतृत्व। निर्देशक संगीत सिवान, पटकथा की है जसविंदर बात, कहानी द्वारा लिंडा देओल द्वारा निर्मित धर्मेंद्र, अभिनीत धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, नेहा शर्मा, अन्नू कपूर, क्रिस्टीना अखीवा, छायांकन नेहा पाटी, संगीत दिया है गाने शारिक तोशी, सचिन गुप्ता, एक गाना बैकग्राउंड स्कोर राजू सिंह, उत्पादन कंपनी सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वितरित यशराज फिल्म सनी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड
बाय पीडी फिल्म्स लिमिटेड यूके। रिलीज की तारीख 7 जून 2013। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। फिल्म को नाटकी ट्रेलर 27 मार्च 2013 को यूट्यूब पर जारी किया गया था और इसके संगीत अधिकार यशराज फिल्म द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यमुना पगला दीवाना 2 7 जून 2013 को रिलीज हुई थी। भूखंड वाराणसी में धर्म ढिल्लो धर्मेंद्र और उनके बेटे गजोदर या प्रेम बॉबी देओल लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि धर्म यमला बाबा नाम के गुरु हैं। जब युवराज खन्ना अन्नू कपूर इंग्लैंड से धर्म से मिलने आता है तो धर्म ने खन्ना के हीरे के छल्ले को नोटिस किया। धर्म और गजोदर एक कंपनी ओबराय और ओबराय के मालिक होने का दिखावा करते हैं। प्रभावित होकर योगराज अपनी बेटी सुमन्या शर्मा के लिए एक मैच पर विचार करना शुरू कर देता है। सुमन को गजोदर से प्यार हो जाता है और इंग्लैंड में एक शादी की व्यवस्था की जाती है। जब धर्म का बड़ा बेटा परम सनी देओल एक बैंक के लिए ऋण वसूली एजेंट खन्ना से मिलता है, परम खन्ना के किलम में दिखाई देता है क्योंकि जोगिंदर दोस्त आर्मस्ट्रांग अनुपम खेर इसे लेने के लिए आता है और आर्मस्ट्रांग के गुंडों और गुंडों की पिटाई करता है। आभारी खन्ना उसे अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। तब परमवीर धर्म और गजोधर को अपने बॉस को ठगने की कोशिश करता हुआ पाता है। धर्म और गजोधर एक और गुंटन आइंस्टीन के कब्जे वाले घर में जाते हैं जिसके अनुपस्थिति मालिक यमला बाबा के एक शिष्य ने उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दी है। अगले दिन वे गजोधर और सुमन की सगाई पार्टी के लिए खन्ना के घर जाते हैं जिसमें परमवीर मेहमान होते हैं। परमवीर आर्ट गैलरी कर्मचारी रीत क्रिस्टिना से मिलता है जिसके साथ उसे प्यार हो जाता है। सुमन और गजोधर की सगाई के बाद गजोधर और धर्म को पता चलता है कि रीत सुमन नहीं खन्ना की बेटी है। हालांकि गजोधर रीत को लुभाती है लेकिन उसकी दिलचस्पी परमवीर में है। धर्म का एक और बच्चा होने का दावा है। प्रेम का जुड़वा क्यों देओल जब क्यों खन्ना से मिलता है तो वह एक चित्रकार होने का दावा करता है जो रीत को आकर्षित करता है। क्यों एक पेंटिंग बनाने का सफल प्रयास करता है। रात के दौरान आइंस्टीन एक सुंदर चित्र बनाता है जिसे क्यों अपना बना कर देता है। पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाती है और नीलामी में बेची जाएगी। परमवीर खन्ना के नाइट क्लब में बदलाव करता है और खन्ना चाहता है कि क्यों उसका गेस्ट ऑफ ऑनर बने। पार्टी में रीत परमवीर से पूछता है कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। नशे में वह आर्मस्ट्रांग के गुंडों से विचलित होने पर क्यू की पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह रीत परमवीर के घर जाती है लेकिन जब वह अपने साथ एक लड़की को सोती हुई देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। प्रेम और सुमन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। रीत क्यों शादी करने के लिए राजी हो जाती है और परमवीर एक संयुक्त शादी चाहता है। धर्म सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम नपुंसक है और जो कोई उसे शादी करेगा वह 7 महीने में मर जाएगा। इसके बावजूद सुमन प्रेम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और प्रेम को उसे प्यार हो जाता है। जब वह खन्ना को सच बताने जाता है तो आर्मस्ट्रांग के गुंडे उसका धर्म और खन्ना का अपहरण कर लेते हैं। प्रेम सच बताता है, परम सभी को गुंडों से बचाता है और रीत को प्रपोज करता है जिसे वह स्वीकार करती है और फिल्म खुशी से समाप्त हो जाती है। फेंकना धर्मेंद्र के रूप में धर्म सिंह ढिल्लो ऑब्लिक धर्म ओबराय ऑब्लिक यमला बाबा, परमवीर सिंह ढिल्लो के रूप में सनी देओल गजोधर सिंह ढिल्लो प्रेम ओबराय क्यू ओबराय के रूप में बॉबी देओल, वरुण सिंह ढिल्लो ऑब्लिक वरुण ओबराय ऑब्लिक टी ओबराय के रूप में सलमान खान, सुमन खन्ना के रूप में नेहा शर्मा, रीत खन्ना के रूप में कृष्णा अकीवा, अनुपम के जोगिंदर ड्यूड जी और मिस्ट्रांग के रूप में अन्नू कपूर, युवराज खन्ना के रूप में बंटी के रूप में जॉनी लीवर, सुचेता खन्ना बबली के रूप में लंदन में एक से एक इंस्पेक्टर के रूप में अर्जुन। गीत संगीत यमला पगला दीवाना 2 साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शारिक तोशी मुक्त 2013 रिकॉर्डेड 2013। शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 28:19। भाषा हिंदी पंजाबी लेवन टी सीरीज। फिल्म के गाने शारिक तोशी भाइयों द्वारा तैयार किए गए थे जबकि प्रोमो ट्रैक में
मैं तान ऐदा ही नाचता को सचिन गुप्ता ने कंपोज किया था, जिसके बोल कुमार ने दिए थे। फिल्म का स्कोर राजू सिंह ने तैयार किया था। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 यमला पगला दीवाना, गायकार हैं इस गाने के सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, राहुल सेठ और संचिता भट्टाचार्य। गाना नंबर 2 जंगली है चांगली है, इस गाने को मीका सिंह और श्रेय घोषाली ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 सूट तेरा लाल रंग दा, इस गाने को सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 मैं तान ऐदान ही नाचदा नाचना, इस गाने को दिलजीत दोसांझ, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और सचिन गुप्ता ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 जट यमला पगला हो गया, इस गाने को मीका सिंह और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 6 शादी दारू दा पानी बाई पीडी संस्करण, इस गाने के गायकार तोशी साबी, संचिता भट्टाचार्य और राहुल सेठ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 जट यमला पगला हो गया संस्करण, इस गाने को शारिफ साबरी और सुजैन डी मेलो ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 TPD2 मैश अप, इस गाने को सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, सोनू निगम, मीका सिंह, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ में गाया है। बॉक्स ऑफिस, यमला पगला दीवाना ने अपने पहले सप्ताह के दौरान विदेशों में औसत कमाई की थी। UK में फिल्म ने 15 मिलियन और उत्तरी अमेरिका में 12.8 मिलियन कमाए। संयुक्त अरब अमीरात और GCC सर्किट पर इसने 9,809 करोड़ रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में 32.8 मिलियन कमाए। न्यूजीलैंड में इसने 6 मिलियन और फिजी में 909 मिलियन कमाए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।